हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज मैं यहाँ पर आपसे बात करने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में। तो सभी कैंडिडेट के लिए ये नोटिफिकेशन बहुत जरूरी है, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। थोड़ी सी देर का नोटिफिकेशन है। तो यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ HPSSB या फिर आप कह सकते हैं HPSSC के जो 2019 के एग्जाम होने वाले हैं। आपने बहुत से एग्जाम जो है फिलअप किए थे, जिसमें आपका सब इंस्पेक्टर भी था, SI का था, JOA का था, आपका क्लर्क का था, TGT का था, JBT का था, JEE का था, और बहुत सारी पोस्टें थी। अप्रोक्स 2000 के करीब जो थी पोस्टें आपकी थी। तो उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे कि कब किस मंथ में जो है उनके एग्जाम होने वाले हैं। तो आज के न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी, मैं डायरेक्टली आपको वो दिखाता हूँ, या आपने पढ़ी भी होगी। तो देखिए, आज के न्यूज़पेपर में था कि युवाओं को झटका। इन्होंने न्यूज ही इस तरह से प्रिंट किया कि युवाओं को झटका, 2500 पदों की भर्ती 2 महीने के लिए टली। ठीक है, यानी कि जो आपके अब जो एग्जाम होंगे वो 2 महीने बाद लिए जाएंगे। तो फरवरी मंथ तो गया आपका, ठीक है, जो फिर मार्च आएगा और अप्रैल, मतलब अप्रैल के लास्ट वीक में हो सकते हैं या फिर अप्रैल के बाद ही होंगे। ठीक है, इसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, अब अप्रैल माह से होगी इन पदों की भर्ती। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है अप्रैल माह के लास्ट से शुरू हो सकती है या फिर ये बीच से शुरू कर दे, मतलब जब सर्दियां और ये जो मतलब अपर पार्ट में ये स्नोफॉल हुआ है, जिसके कारण जो है भर्तियों को लेट किया गया है, क्योंकि वहां पर या तो कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करवाना भी मुश्किल होता है, और जो वहां के कैंडिडेट होते हैं उनको कहीं पर जाना भी मुश्किल होता है। तो जिसके कारण क्या है, मतलब एक अच्छा ही है ये उनके लिए स्पेशली, कि झटके वाली वैसे आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई बात है यहाँ पर, क्योंकि उनको भी देखना पड़ता है जहां पर जो स्नोफॉल होती है, जहां पर उन उस एरिया में जो पर्सन रहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में सोचकर ही है जो ये इसको आगे किया गया है, और आपको थोड़ा सा टाइम भी मिल गया है, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। तो यही रीजन है जिसके कारण जैसे चंबा होता है, लाहौल स्पीति होता है, किन्नौर होता है, और जो जनजातीय क्षेत्र होते हैं वहां पर बहुत सारी बर्फबारी हो रही है, जिससे जो जगजीवन है वो अस्त व्यस्त है। अब जैसे ही पूरी तरह से स्नोफॉल खत्म हो जाएगी, पूरी अच्छे से गर्मी आ जाएगी, उसी के बाद जो है आपकी एसआई वगैरह हो गई, जेओए वगैरह होगी, क्लर्क वगैरह होगी, उनकी जो है भर्तियां शुरू की जाएगी। मतलब आपके पास 2 मंथ है, 2 मंथ भी क्या समझिए, आपके पास 1.5 मंथ है, अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो। तो फिर आपके एडमिट कार्ड आने, आपकी जो डेट आनी जो है वो शुरू हो जाएगी कि कब से कब आपके कौन कौन से एग्जाम आपके लिए जाएंगे। तो यही इंपॉर्टेंट न्यूज जो है मैंने आपसे शेयर करनी थी। मतलब आपको एग्जैक्टली पता लग चुका है कि कब तक के पास आपके, मतलब कितना आपके पास टाइम है तैयारी के लिए। बहुत से लोग पूछते हैं कि कब इनकी डेट निकलेगी, तो 1.5 मंथ बाद जो है आपके अप्रैल मंथ, तो ये माने कि अप्रैल मंथ में किसी भी टाइम जो है आपकी एग्जाम डेट आ सकती है। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से जो है अपनी तैयारी रखिएगा। तो एक छोटी सी न्यूज थी, आगे भी आप शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।